फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ यात्रा। आज मैं आया हूँ सेक्टर 29 के अंदर, जो कि गुड़गांव के अंदर है। और ये सबसे फेमस जगह है गुड़गांव के अंदर, जो कि मोस्ट हैपनिंग प्लेस है। यहाँ पे आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में यहाँ पे आ सकते हैं, अपने लवर्स के साथ में आ सकते हैं। यहाँ पे कई सारे आपको कैफेटेरियाज, आपको डिस्को यहाँ मिल जाएंगे, सो यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, बहुत सारे यहाँ पे मेरे पब डिस्को बने हुए हैं। बैक साइड में आप देख पा रहे हैं, ये सेक्टर 29 है। बैक साइड में आप देखें, कई सारे कैफेटेरियाज, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, और आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। ये मोस्ट हैपनिंग प्लेस है, तो मैं आपको पूरा विजिट कराऊंगा, यहाँ का टूर बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, ये है क्लब जो कि सेक्टर 29 के अंदर गुड़गांव के अंदर है। मोस्ट हैपनिंग प्लेस है, यहाँ अपने गर्लफ्रेंड के साथ में, अपने लवर्स के साथ में एक हैंगआउट, एक चिल आउट प्लेस है। यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, अपना डे स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा एम्बियंस बना हुआ है, और इवन यहाँ का फूड भी काफ़ी अमेजिंग था। और ड्रिंक भी है यहाँ पर, आप हर तरह की ड्रिंक यहाँ पर आप ले सकते हैं। और मतलब क्या अमेजिंग यहाँ का हमारा एक्सपीरियंस रहा, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, हमें काफ़ी इन्जॉय किया। इवन ये फूड थे यहाँ पे वेज नॉन वेज के स्टार्टर था, पनीर टिक्का, चिली पटेटो और सोया कबाब, मतलब ये चीज़ें थी। और हम लोगों ने ड्रिंक के साथ में, और ये सॉफ्ट ड्रिंक है लाइक कोल्ड ड्रिंक, और ये स्नैक्स मैंने लिए। काफ़ी अमेजिंग फूड था, काफ़ी अच्छा था, साथ में मेन कोर्स भी था, तो वो भी हमने आफ्टर दी मतलब आफ्टर दी डांस करने के बाद में हमने वो मेन कोर्स भी हमने खाया था, तो काफ़ी अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे। सेक्टर 29 में मैं करीबन 2 या 3 बारी आ चुका हूँ, और कई सारे यहाँ पे 2-3 डिस्को में मैं गया भी हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है, मोस्ट हैपनिंग प्लेस है, तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे आए और एक बार विजिट करें और घूमें, अपना डे स्पेंड करें। अपना न्यू ईयर, क्रिसमस हो गया जैसे कि अपकमिंग है, तो वो सेलिब्रेट करना चाहे तो एक अच्छा प्लेस है यहाँ पे हैंग आउट करने का, तो अपने दोस्तों के साथ में यहाँ पे हैंग आउट कर सकते हैं। बैक साइड में दिखा देते हैं कि एक रेस्टोरेंट है, इसमें भी हम लोग आए हैं, लॉस्ट लेमन, शायद आपको दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये है लॉस्ट लेमन यहाँ पे है, और यहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। ये देखिए, ट्रेन थीम रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रह सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, हैंग आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने कैब बुक करके आएँ, या फिर ऑटो या अपनी पर्सनल व्हीकल वगैरह से आएँ, तो ईजिली आप यहाँ पे आ पाएंगे। क्योंकि मेट्रो स्टेशन जो रहेगा वो नियर बाई, तो ऐसे इको चौक का रहेगा, तो वहाँ से भी आप कैब या कुछ भी टैक्सी वगैरह ले सकते हैं, यहाँ पहुँच सकते हैं और यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं।